बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। और मटन पुलाव के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मटन 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन, खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ब्लैक पेपर, एक छोटी प्याज। ये चीज़ें हमने यखनी के लिए तैयार करनी है। सबसे पहले हम यखनी रख देंगे। ये सिर्फ यखनी की चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं इसको यखनी रखने के लिए। सबसे पहले हम कढ़ाई में मटन को डाल देंगे पानी। हमने अगर हमें 4 गिलास चाहिए यखनी के लिए तो हमने 8 गिलास डाल देने हैं। लहसुन अदरक नमक शामिल कर देंगे, तेज पत्ता, खड़े मसाले, पिसा हुआ धनिया और प्याज। पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह ये गल भी जाए और इसकी अच्छी तरह यखनी भी निकल जाए। अब हम यखनी रखने के बाद चावल पकाने के लिए बाकी हमें जिन चीजों की जरूरत है, 1 कप ऑयल, 2 प्याज कटी हुई, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जीरा, हरी मिर्चें हसबे जरूरत, गोल मिर्च 8 अदद, 1 कप दही और 4 गिलास चावल के। ये हमारा गोश्त बिल्कुल निकल चुका है। अब इसमें से हम ये मटन को अलग कर देंगे। सारा गोश्त हमने अलग से निकाल लिया है। यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब हम इसको मसाले को तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले हमने मट्टी की कढ़ाई ली है। इसमें बहुत मज़ेदार खाने तैयार होते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा इसमें खाना काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो वैसे भी ये एक देसी स्टाइल है इसमें पकाने का। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावलों का मसाला तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो ऑयल लिया था सबसे पहले हम वो डाल देंगे, फिर कटी हुई प्याज। हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, फिर बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। और ये गोल सुरख मिर्च, सब्ज मिर्च, ये शामिल कर देंगे और सीरा। थोड़ी देर के लिए हम इसको भुनेंगे। ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने बॉयल मटन किया था वो शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। इसको 10 मिनट तक भूनना है। अब यह हमने गोश्त को भून लिया है। अब हम इसमें गरम मसाला 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। हमने जो इसमें से यखनी निकाली थी वो
शामिल कर देंगे, तकरीबन 8 ग्लास। थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हमारा पानी पकने लग गया है, हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए फिर रख देंगे। चलिए हम देखते हैं पानी इसका खुश्क हुआ है। ये देखिए व्यूअर्स, इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। देखिए और चावल गल चुके हैं। अब हम इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम के लिए रख देंगे। ये 15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। अब हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारे यखनी मटका पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत अच्छा टेस्ट भी है इसका। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना जरूर फीडबैक अपना दीजिएगा और नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।